सेक्सुअल असॉल्ट किसी एक देश की महिला की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं। अमेरिका, कनाडा, स्वीडन और ब्रिटेन जैसे सबसे विकसित देशों में भी रेप की सबसे ज्यादा घटनाएं देखी जाती हैं। दुनिया भर में करीब 36% महिलाएं किसी न किसी तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट में फंस जाती हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार 12 से 16 साल की 83% लड़कियों के साथ किसी न किसी तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है। और यही नहीं, इंग्लैंड जैसे देश में भी हर 5 में से एक फीमेल का रेप किया जाता है। साउथ अफ्रीका रेप की घटनाओं के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर है। यहाँ हर दिन लगभग 1400 रेप की घटनाएं होती हैं। इनमें से करीब 20% घटनाओं में मेल भी शिकार बनते हैं। साउथ अफ्रीका में हर साल 500,000 रेप की घटनाएं होती हैं। इस आंकड़े के साथ अफ्रीका दुनिया में रेप की घटनाओं के मामले में सबसे ऊपर है। साउथ अफ्रीका की 40% से ज्यादा महिलाएं अपने जीवन काल में कम से कम एक बार रेप की शिकार होती हैं। अफ्रीका मेडिकल रिसर्च काउंसिल के अनुसार हर 9 में से केवल एक महिला रेप की रिपोर्ट दर्ज कराती है। साउथ अफ्रीका में ज्यादातर सेक्सुअल असल्ट की घटनाएं महिलाओं के साथ होती हैं, लेकिन पुरुष और बच्चों के साथ भी रेप के मामले कम नहीं हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 4% से ज्यादा पुरुषों को दूसरे पुरुषों के साथ सेक्स करने के लिए मजबूर किया जाता है। साउथ अफ्रीका की पुलिस की माने तो 41% बच्चे रेप के शिकार होते हैं। रेप पीड़ितों में करीब 15% बच्चे 11 साल से कम की उम्र के होते हैं। स्वीडन दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा रेप होते हैं। स्वीडन में हर 4 में से एक महिला रेप की शिकार बनती है। स्वीडन की पुलिस ने साल 1975 में 421 रेप के मामले दर्ज किए थे। फिर साल 2014 में ये संख्या बढ़कर 6,620 हो गई। यानी स्वीडन में रेप की घटनाओं में 1472% की बढ़ोतरी हुई है। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि स्वीडन महिलाओं के लिए खतरनाक देश है। पूरे यूरोप में स्वीडन एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा रेप होते हैं। स्वीडन के एक्सपर्ट्स के अनुसार हर 3 में से एक महिला का रेप बचपन में ही हो जाता है। क्या सोचते हैं आप ये रेप करने वाले पागलों के बारे में? अपनी राय कमेंट में बताइए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।